जी हाँ, आप देख रहे हैं एमएनटी न्यूज नेटवर्क और एमएनटी न्यूज नेटवर्क का हमारा साप्ताहिक रविवारी कार्यक्रम परस्पेक्टिव। परस्पेक्टिव में हम जिनसे मिल रहे हैं उनके बारे में आज देश भर में चर्चा है, पूरे विश्व में चर्चा है। डॉक्टर सोन जारिया मींस इनके साथ हम आज चर्चा कर रहे हैं, लाइव चर्चा उनके साथ होगी। डॉक्टर सोन जारिया मींस इसलिए भी प्रसिद्ध आज चर्चा में है क्योंकि वो अभी एक देश के एक बड़े विश्वविद्यालय की कुलपति है, सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय झारखंड में है उसकी, वो डॉक्टर सोन झारिया मिंज कुलपति बनी हुई है। तो उनके साथ हम आज चर्चा करने वाले हैं साथियों। ये विश्वविद्यालय दुमका झारखंड में है, काफी बड़ा विश्वविद्यालय है। इस संदर्भ में हम उनके साथ तो काफी सारी बातें चर्चा करने वाले हैं कि आज कैसे यहाँ तक पहुंची, लेकिन उसके पहले भी डॉक्टर सोन झारिया मिंज इसलिए इस विश्वविद्यालय की कुलपति बनी क्योंकि उनकी जो पढ़ाई है, उनकी जो पहुंच है, उन्होंने जो अभी तक एकेडमिक उनके जीवन में शाले उसके कॉलेज के जीवन में या विश्वविद्यालय जीवन में उन्होंने जो काम किया, इसके कारण वो उस काबिल बनी कि एक बड़े विश्वविद्यालय कई वो कुलपति बने, बड़े विश्वविद्यालय का पूरा मैनेजमेंट को संभाले। इसके संदर्भ में हम उनके साथ काफी सारी बातें करने वाले हैं। जो दर्शक अभी हमें फेसबुक से देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सर्वप्रथम इस वीडियो को अपने खुद के फेसबुक अकाउंट पर अर्थात खुद के टाइमलाइन पर उसको शेयर कीजिए। ठीक इसी वीडियो के नीचे शेयर का ऑप्शन है, उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। वहां पर आप राइट पोस्ट में जाकर के अपने खुद के फेसबुक अकाउंट पर टाइमलाइन पर उसको आप शेयर कीजिए। जो साथी अभी यूट्यूब से जुड़े हुए हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप इसके लिंक आप अधिक से अधिक आपके मित्रों को व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से उन तक आप पहुंचा सकते हैं। ये कार्यक्रम अभी फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर लाइव है। एमएनटी न्यूज नेटवर्क सर्च कीजिए, आपको वहां पर ये कार्यक्रम दिखाई देगा। तो मैं अधिक देर न लगाते हुए डॉक्टर सोन जारिया मिंज जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमएनटी न्यूज नेटवर्क के हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम परस्पेक्टिव में। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि ये जो एक बार आप आई थी और उसी वक्त शायद भारत में लॉकडाउन लग गया था कोरोना के काल में, और आपको आप एक एमएनटी क्यों कार्यक्रम आप सहभागी हुई थी और उसी दौरान ये सारी चीजें होती गई, आपको कैसे लग रहा है कि आप ये सारे पीरियड में सारी चीजें बदला हो गया है कोरोना के काल में, लॉकडाउन के काल में, अब कैसे व्यस्तता है ये सबसे पहले आप बताइए और फिर बाकी बातें हम लोग चर्चा करेंगे आगे। जी, मैं एमएनटी न्यूज नेटवर्क के पूरे मैनेजमेंट को, प्रदीप जी को, अर्चना जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत से मेरे पीछे लग लग के, और ऐसा हुआ कि मैं आज शाम को ये समय दे पा रही हूँ, क्योंकि इससे पहले थोड़ी व्यस्तता थी। सभी श्रोताओं को जोहार, फुल जोहार, जय भीम, और सबका मैं अभिनंदन करना चाहती हूँ। जी हाँ, प्रदीप जी, जी आपने एकदम सही बताया कि मैं इससे पहले भी एक बार आई थी, और उस समय मैं प्रोफेसर सोना झरिया मिंज थी। परंतु जैसा जी माना जा रहा है कि कोविड, प्री कोविड का समय और पोस्ट कोविड का समय बहुत भिन्न होगा, और ऐसा कुछ मेरे जीवन में भी हुआ है कि प्री कोविड और कोविड के दौरान भी ऐसी कुछ गतिविधियां हुई, ऐसी कुछ परिस्थितियां आई कि मेरे लिए पोस्ट कोविड पीरियड में एक और एक जिम्मेवारी की बात आ गई, कोविड के ही दौरान आई है। जी और जी ये अप्रैल के महीने में जब झारखंड के कई एक विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर के पद खाली होने वाले थे, और उसके लिए विज्ञापन निकला था, और तब मैं झारखंड में ही थी, लॉक्ड अप थी। और जी मुझे उस समय ऐसा लगा, उस विज्ञापन को एक बार नहीं, दूसरी बार भी, तीसरी बार देखने के बाद ऐसा लगा कि ये विज्ञापन मेरी ओर देख रहा है, और मेरा हमेशा से मेरे मेरे जैसी अपब्रिंगिंग हुई है, मेरा पालन पोषण हुआ है। तो जो भी कि बचपन जी से, 5 साल की उम्र से ही जी मेरी
मेरा रुझान मैथ्स सब्जेक्ट में था और मैं मैथ्स ही पढ़ना चाहती थी और मैंने पढ़ा भी, पर मेरे माता पिता हमेशा बोलते थे कि पढ़ाई कुछ भी कर लो, नौकरी किसी तरह की भी कर लो, परंतु समाज के प्रति तुम्हारी दृष्टि कभी हटनी, उनके उतना समाज के ऊपर से तुम्हारी दृष्टि हटनी नहीं चाहिए, और ताकि हम समाज में हमेशा हमारी जड़ वहीं रहे और हम चाहे कहीं भी निकल जाएं अपनी नौकरी के तहत और अपने काम करते हुए, परंतु हमारा बैकग्राउंड जो हमारी जड़ें हैं ना वो कभी उखड़नी नहीं चाहिए। और इसलिए मैंने हमेशा ये सोचने की कोशिश की है और ध्यान देने की कोशिश की है कि मैं पढ़ाई के लिए भी कहीं जा गई, नौकरी के लिए भी गई, तो अपने लोगों को, अब मैं एक ये शब्द अपना बोल रही हूँ, तो अपने कौन है, मैं एक आदिवासी समाज से आती हूँ, तो आदिवासी मूल निवासी, ये शब्द आदिवासी मूल निवासी एक साथ एक समय पर इस्तेमाल होने लगा झारखंड में, जब झारखंड के में बहुत सारे आंदोलन हुए, अलग प्रांत के लिए आंदोलन हुआ, यहाँ मानव अधिकारों के लिए आंदोलन हुए, उन दिनों में एकजुटता, क्योंकि जितने लोगों को के मानव अधिकारों का हनन हो रहा था, जब एकजुट आए एक प्लेटफॉर्म पर आए तो उनको एक ही परिभाषा देने में थोड़ी मुश्किल हुई, जैसे दलित एक परिभाषा हो जाती, पर यहाँ इसलिए झारखंड में विशेष करके आदिवासी और मूल निवासी, और या तो कभी कभी आदिवासी और मूल वासी कहके संबोधन किया गया। तो मैं जहाँ कहीं भी रही, मुझे मेरी कोशिश रही कि जितने भी स्टूडेंट लोग मेरे जैसे पृष्ठभूमि से आते हैं उनको अगर मुश्किल हो तो कम से कम मेरा साथ उनके साथ हो, मैं उनके तक पहुंच पाऊं। तो जिस तरह आपका से ये जो बदलाव ये बदलाव अभी कोरोना के काल में आया है, ये हम मानते हैं कि ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है हमारे भारतीय समाज जीवन में। हम आपके हमारे दर्शकों के लिए मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो आपका सफर रहा, पहले आपके गांव से लेकर, जैसे आपने पिताजी के बारे में बताया, माता पिता के बारे में बताया कि कैसे मैथमेटिक्स के बारे में वो आपको प्रोत्साहित करते थे, लेकिन जो स्कूल से लेकर एक हाई स्कूल तक जाना एक लड़की ने, और फिर आगे पढ़ने के लिए उसने जेएनयू की तरफ जाना, फिर वहां पर भी उधर काम करना, और फिर वापस एक बड़े बदलाव के साथ यहां तक पहुंचने, एक बड़ा सफर है। तो आप जेएनयू तक का सफर कैसे रहा, क्या क्या आपके जीवन के बारे में आप दर्शकों को बताइए कि कैसे आपकी पढ़ाई हुई और कौन से इसमें आपने आगे आप प्रोफेसर बनी, हमारे दर्शकों को उसके बारे में भी बताइए। जी, मैं आपके न्यूज नेटवर्क के चैनल के माध्यम से सभी ऐसे लोगों को संबोधित करना चाहती हूँ, ऐसे अपने मेरे से छोटे जो हैं, परंतु पढ़ाई के दौरान जिन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा है और पड़ता है और पड़ेगा, ऐसे लोगों को विशेष करके मैं संबोधित करना चाहती हूँ। हमारे देश में अधिकांश आबादी आपके और मेरे ही पृष्ठभूमि के समान है, और केवल 20% लोग थोड़े प्रिविलेज्ड हैं, और इसलिए जब हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है तो पहली बात हम जरूर ध्यान दें कि जहां भी हम हैं ऐसा जरूर मिलेगा कि वहां कम से कम 50% लोग हमारे ही तरह के पृष्ठभूमि से आते हैं। और मैं ये केवल थोड़ा सा इनकरेज करने के लिए बोलना चाहूंगी अपनी बाकी कहानी बताने के पहले, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा बचपन और मेरे पढ़ाई कॉलेज में पढ़ाई का दौर इतनी मुश्किल का दौर नहीं था जितना बहुत लोगों का होता है। मुझे लगता है कि मेरा बचपन, मेरे स्कूल की पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई का दौर काफी प्रिविलेज्ड तरीके से होने सका, क्योंकि मैं एक गर्ल्स स्कूल में पढ़ने सकी, तो इसलिए देखिए वहां भी मेरा बचपन और स्कूली पढ़ाई, स्कूली शिक्षा ना बहुत प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में होने सकी, जो भी कि मुझे एक हिंदी मीडियम स्कूल में दाखिला लेना पड़ा। मैं मेरे पिताजी पीएचडी करके शिकागो से आए थे, इसलिए मुझे उस समय
चार साल की उम्र में, चार साल पांच साल की उम्र में केवल अंग्रेजी आती थी पर हिंदी नहीं आती थी। परंतु जब मुझे हिंदी इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला नहीं मिला तो मुझे हिंदी मीडियम स्कूल में दाखिला लेना पड़ा। पर इसलिए मैं जानती हूँ कि पहली कक्षा में जब बच्चे जाते हैं, पर आजकल तो नर्सरी भी है, जब सबसे पहले स्कूल में जाते हैं और अगर वहाँ कोई ऐसी भाषा में का इस्तेमाल हो रहा हो जो कि हमारी मातृभाषा से अलग है तो कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। साथ ही सोशल बैकग्राउंड अलग अगर अलग अलग हो तभी भी मुश्किलों का सामना करता है। मैं जिस स्कूल में गई वो वहाँ लगभग 90% लड़कियां आदिवासी पृष्ठभूमि से आती थी, इसलिए हमारा 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 स्कूल मतलब होमोजीनियस ही लगभग था और इसलिए हम लोग वहाँ पक्षपात या डिस्क्रिमिनेशन वाली बात को महसूस ही नहीं कर पाए क्योंकि हमारी हमारी शिक्षिकाएं भी आदिवासी थी। तो इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ कि मेरी स्कूली शिक्षा बहुत ही आराम से होने सकी और बहुत ज्यादा मुझे डिस्क्रिमिनेशन का सामना नहीं करना पड़ा, थोड़ा बहुत था जिसकी चर्चा अभी नहीं करते हैं। परंतु मैं इनकरेज करना चाहूंगा सभी लोगों को कि यदि आपके सामने विपरीत परिस्थिति हो फिर भी किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति का ध्यान रखें या किसी क्योंकि मैं भी बचपन में मेरे माता पिता ने ऐसे लोगों का उदाहरण दिया जिनके बारे में सोच सकती थी कि अच्छा मुझे वहां तक पहुंचा जा सकता है। तो ऐसे उदाहरण मेरे सामने भी दिए गए ताकि मेरी इच्छाएं मेरी आकांक्षाएं थोड़ी ऊंची, मेरे गोल थोड़े ऊंचे हो सके और मुझे बल मिल सके उन उदाहरणों को देखकर। अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी यूपीएससी का रिजल्ट निकला है और कम से कम चार आदिवासी जो हमारे झारखंड प्रदेश के आदिवासी हैं, चार लोग 500 संख्या के ऊपर हैं। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। परंतु जितने लोग सुन रहे हैं के भी जाने पहचाने लोग या फिर आपकी पृष्ठभूमि के भी कुछ लोग ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता पाते हैं, तो हमारे पास आज के दौर में बहुत सारे उदाहरण ऐसे मिलेंगे कि उनकी कामयाबी तक पहुंचना मुनासिब है ये बात हम समझ सकें। और जब एक्स या वाई पहुंच सक रहे हैं तो हम मुझ में भी वो काबिलियत है, ये बात बच्चों के और जवानों के विशेष करके युवा साथियों को समझ अगर वो ग्रहण कर लें कि मेरे में भी वो काबिलियत है जो शायद सोनाझरिया मैडम के में है, तो इस तरह भी अगर लोग सोच लें तो मुझे लगता है कि मुश्किलों का सामना करने में आसानी होगी। क्योंकि मैं मानती हूँ कि जितनी भी मुश्किलें पढ़ाई के दौरान विशेष करके जहाँ डिस्क्रिमिनेशन होता है वहाँ होती हैं, वो बहुत ही इनह्यूमन और डीह्यूमनाइजिंग भी होती हैं, पर उनका सामना करना बहुत जरूरी है और उसके लिए अपने आप को अपने अंतर के बल को ये करना होगा। हम लोग बहुत समय बाबा साहब का उदाहरण लेते हैं और उनके हिम्मत को देखते हुए हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो इसी तरह सब हमारे पास कुछ बहुत उदाहरण अभी हो गए हैं। हम फिर से बाबा साहब की ये दूरदर्शिता थी कि हमारे संविधान में उन्होंने ये प्रावधान बनाया कि हम जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब लोग हैं, शेड्यूल्ड हैं, उनके लिए एक प्रावधान मिला ताकि जो बात इक्विटी के द्वारा लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी या अवसर बनाने की बात है, सब जगह पढ़ाई के लिए स्कूलों में, कॉलेजों में और उसके बाद नौकरियों में ये प्रावधान बना है। उसमें हम मुख्य धारा मतलब देश के मुख्य धारा के काम और पढ़ाई एजुकेशन में हम संभागी हो सकते हैं, भागीदारी हो सकते हैं। अभी भागीदारी शब्द नहीं, संभागी हो सकते हैं, क्योंकि भागीदारी तो तब होगी जब हम एक दूसरे से आदान प्रदान करेंगे। हमारे जैसे आज विश्व अंतर्राष्ट्रीय विश्व आदिवासी दिवस है, ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको अनाउंस किया गया था 23 दिसंबर 1994 को, और इसलिए आज की तारीख में 26वीं बार अंतरराष्ट्रीय विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। पिछले साल 2019 के साल थीम था इंडिजिनियस पीपल एंड इंडिजिनियस लैंग्वेजेस,
मतलब आदिवासी मूल निवासियों की भाषाओं पर ध्यान दिया गया था, क्योंकि लगभग 40% भाषाएं जो कि आदिवासी और मूल निवासियों की हैं वो लुप्त होने के कगार पर हैं, और वो इसलिए क्योंकि उनमें शिक्षा का प्रावधान नहीं है, मातृभाषा में शिक्षा नहीं होती। और जैसे आज मैं आप सब के साथ जुड़ पा रही हूँ हिंदी भाषा में, पर ये मेरी मातृभाषा नहीं है, और परंतु हमें एक भाषा जो सबके समझ में आती है उसको इस्तेमाल करना आवश्यक है जब एक दूसरे से हम संवाद करते हैं। तो इसलिए पिछले साल आदिवासी भाषाओं में ध्यान देने का साल था, और पर इस साल COVID-19 के कारण COVID-19 एंड इंडिजिनियस पीपल्स रेजिलियंस ये थीम रहा है, और ये माना गया है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कि सभी देशों में ये जो महामारी, वैश्विक महामारी सभी महाद्वीप और सभी राष्ट्रों में फैली है, परंतु उनमें देखने वाली बात ये होगी कि हर देश के, हर महाद्वीप के आदिवासियों पर इसका असर कितना हुआ। ये हमारे देश में भी चूंकि टेस्ट कम हो रहे हैं और इसलिए उसके रिजल्ट्स भी उसी तरह देखे जाएंगे, परंतु इन आंकड़ों को देखने वाली बात होगी कि हमारे आदिवासी मूल निवासी जो हम बहुजन समुदाय बोलते हैं, हम लोगों के और हम जहां रहते हैं वहां इस महामारी का प्रकोप हुआ, इन्फेक्शन हुआ भी, तो क्या हम लोगों में अफेक्ट हुए हैं, पर मृत्यु का दर दूसरों की तुलना में बराबर है, कम है, ज्यादा है। तो इन बातों की आंकड़े ही बतलाएंगे, और कोविड के बाद इसका पता चलेगा कि हम इन बातों पर ध्यान दे पाएंगे, क्योंकि माना ये मानी गई है बात है कि आदिवासियों में विशेष करके माल न्यूट्रिशन या सेहत दूसरों की तुलना में जो औसत सेहत स्वास्थ्य के पैमाने हैं उससे कम है, और पर ये सभी जगह शायद नहीं होता, परंतु कुछ जगह के लिए जरूर लागू होता है। मुझे मैं सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी जो दुमका डिस्ट्रिक्ट झारखंड में है वहां से आप सबके साथ जुड़ पाई हूँ। अभी इस महामारी का प्रकोप यहाँ बढ़ रहा है, परंतु देखने वाली बात होगी कि इसका असर हम इस क्षेत्र में कैसा होगा और कितना होगा। इसके साथ साथ मैं एक और बात बोलना चाह रही थी पर भूल गई जी। अगर कोई प्रश्न होगा तो मैं बोलूंगी आगे। जी, मैं आपसे जानना ही चाहते थे कि जो जेएनयू तक का आपका सफर है, प्रोफेसर आप बने, कौन है जिसके इसमें आप पढ़ा रहे थे या आपकी पढ़ाई पूरी हुई, ताकि हमारे पूछ में जो देख रहे लोग उनको भी इस बारे में जानकारी। जी, मैं बतलाने की कोशिश कर रही थी कि मेरी यात्रा बहुत कठिन नहीं थी। मेरी यात्रा प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट्स में होने सकी थी, क्योंकि जब मैं कॉलेज में भी गई तो मैं नॉर्थ इंडिया में नहीं पढ़ाई किया मैंने, और मुझे साउथ इंडिया में पढ़ाई करते वक्त अपने कॉम्प्लेक्शन का एडवांटेज हुआ। वहां मुझे लोगों ने उतना नहीं पूछा कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, परंतु मुझे पता था क्योंकि साउथ इंडिया में भी ये बात चर्चा बहुत होती है, तुम्हारी जात क्या है, विच कास्ट करके जरूर लोग पूछते हैं, और मैं उस सवाल से बचने के लिए मैंने एक काम किया कि मैंने सोचा कि मुझ में अगर मैं क्लास में फर्स्ट तो शायद नहीं आऊंगी, कॉलेज थोड़ी बड़ी जगह होती है जहां और भी ज्यादा कॉम्पिटिशन होता है, पढ़ाई थोड़ी भारी होती है, परंतु मैंने एक कोशिश की कि मैं जिस क्षेत्र में मैं दक्ष हूँ या मेरा पोटेंशियल औरों से शायद ज्यादा है वहां हाथ डालूं, और वहां अपनी कामयाबी अगर थोड़ी ऐसी आ जाती है तो लोग शायद मुझसे वो सवाल नहीं करेंगे कि तुम्हारा कास्ट क्या है,
और इसलिए मैं कॉलेज में गई, मद्रास में मेरी कॉलेज की पढ़ाई हुई और वहां मैंने खेल कूद में भाग लेना शुरू किया, मैंने हॉकी खेलना शुरू किया और मैं कॉलेज टीम में तुरंत आ गई। फिर मेरा चुनाव यूनिवर्सिटी की टीम में भी हुआ, इतना तक कि मैं तमिलनाडु टीम की रिजर्व में भी चुनी गई थी। तो इस तरह से मैंने एक काम किया कि वो जो सवाल हम पूरे देश में सुनने जा सकते हैं, लोग कॉलेज में जाओ तब या जहीं भी, कि तुम्हारा कास्ट क्या है, मैंने उस सवाल से डॉज करने के लिए अपनी इस काबिलियत को एक्सप्लोर किया। और इसलिए मैं एक छोटी सी सलाह सभी लोगों से को देना चाहूंगी, हर एक में बहुत पोटेंशियल है और कुछ ऐसी बात है जो खासियत है जो आप में बहुत ज्यादा है दूसरों की तुलना में, और अगर आप अपने उस दक्षता को और उस खासियत को ऊपर ला सकें तो हो सकता है आपकी आपका कास्ट या आपके पृष्ठभूमि से संबंधित वो सवाल जो उठाए जाते हैं और जिसका संबंध बहुत गलत तरीके से आपकी और मेरी बौद्धिक क्षमता से किया जाता है ना, उसका संबंध किया जाता है, तालमेल डालने की कोशिश की जाती है, शायद उस सवाल से हम बच सकते हैं। और ये मेरा मानना है कि हर एक में कोई ना कोई ऐसी बात है जो कि उनकी दक्षता को अलग से दिखा सके, और इसलिए मैं आग्रह करना चाहूंगी सबसे कि अपने उस पोटेंशियल को भी एक्सप्लोर करें। तो इस तरह मेरा कॉलेज का दौर रहा और उसके बाद मैं JNU में भी एंट्रेंस एग्जाम के तहत JNU में आने सकी और वहाँ कंप्यूटर साइंस में की कक्षा में मैं अकेली लड़की या औरत थी, मेरे क्लासमेट सारे बॉयज थे, परंतु वहाँ भी वहाँ से मेरा ये दौर शुरू हुआ कि सभी मर्द हैं या मेल हैं, ऐसी जगह में मैं अकेली औरत भी रही, परंतु मैंने अपने आप को वहां किसी भी तरह से कम हूं इसका ना तो खुद को एहसास दिलाने की कोशिश की और ना औरों को। और जो भी कि मेरे परिवार में मेरी तीन बहनें हैं, हम लोग चार बहनों का परिवार है, मेरे पिताजी अलग अकेले मर्द हैं पांच औरतों के बीच, परंतु जब मेरा कॉलेज से निकलने के बाद जो दौर रहा वहां मैंने अपने आप को या तो अकेली औरत पाया या एक या दो ही थे, जबकि 25 की भीड़ है वहां भी, परंतु वो जो कॉन्फिडेंस मुझे खेल कूद से मिला था ना, वो कॉन्फिडेंस मैंने बरकरार रखा और ताकि कहीं भी जहां भी मैं गई वहां अपने को दूसरों के बराबर या दूसरों के ऊपर ही मैंने सिद्ध करने की कोशिश की, ना कि कम। तो इस तरह से JNU में पढ़ाई करने गई, फिर उसके बाद जब मेरे नौकरी मैंने लेने की कोशिश की अपने MPhil कंप्लीट होने के बाद, और PhD कंप्लीट नहीं हुआ था फिर भी, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट्स कंप्यूटर साइंस के लेक्चरर के निकल रहे थे और मैं मौका नहीं जाने देना चाहती थी। उस समय जब मैं 1990 के आसपास में जब मैं अप्लाई कर रही थी, उस समय शैक्षणिक संस्थानों में रिजर्वेशन असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल में भी नहीं था और वो उस समय ओपन सीट्स हुआ करते थे, अनरिजर्व सीट्स हुआ करते थे, पर चूंकि मेरा मनोबल और मेरा कॉन्फिडेंस ऐसा था, मैंने हर उस पोस्ट के लिए अप्लाई किया जहाँ जो मेरी नजर में आया, इसलिए मैं भोपाल यूनिवर्सिटी में आने सकी थी, फिर मदुरई कामराज में भी गई, वहां भी अनरिजर्व पोस्ट था। जब JNU में 1992 में मैंने ज्वाइन किया, जो भी कि मेरा सिलेक्शन 91 में ही हो गया था, तो वहां भी पोस्ट अनरिजर्व था। तो इस तरह से मैं सभी युवा साथियों को एक बात और बोलना चाहूंगी कि अपॉर्चुनिटी हम सबके लिए केवल रिजर्व्ड पोजीशंस के लिए का नहीं है, अपॉर्चुनिटी उन सभी जगह है जहां अनरिजर्व भी है। तो हम में से कुछ लोग जो अपने आप को प्रिविलेज्ड मानते हैं, जहां थोड़ी अच्छी शिक्षा हमें मिली हो, अच्छे हम कामयाबी की ओर चढ़ रहे हैं, तो हमें उन सभी पोस्ट को भी देखना होगा जो अनरिजर्व होते हैं। मैं अभी एक और बात साझा करना चाहूंगी कि बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन अभी आ रहे हैं, जैसे जर्नलिज्म, मास मीडिया, और बहुत से अभी अपॉर्चुनिटीज ऐसे आ रहे हैं और ऐसे प्रोफेशंस निकल रहे हैं जिसमें रिजर्वेशन और या रिजर्व सीट्स नहीं है,
और नहीं होंगे, हो सकता है काफी समय तक, और परंतु हमारे युवा साथियों को ऐसे अपॉर्चुनिटी को भी बिल्कुल अवसर को नहीं खोना है। अगर आपका पैशन उस तरह के प्रोफेशन के साथ है तो वहां आप जरूर जाएं और अपनी दक्षता के आधार पर, अपनी अपनी प्रखरता के आधार पर वहां अपने लिए जगह बनाना बनाने की कोशिश करें, ताकि हमारे वो सब साथी लोग जो हमसे कम प्रिविलेज्ड स्कूल या कॉलेज में पढ़ के आएंगे, तो उनके लिए हम वो रिजर्व्ड पोजीशंस को छोड़ेंगे, ताकि जो लोग उसको डिजर्व करते, नहीं तो हमेशा बार बार ये बात आते हैं, ओ ओ नहीं अब तो दलित लोग भी काफी पढ़ लिख के उसमें भी क्रीमी लेयर आ गया, आदिवासी लोग भी इतना पढ़ लिख के वहां भी क्रीमी लेयर हो गया। पर मैं बतलाना चाहूंगी, हो सकता है हमारे साथी जितने लोग अभी सुन रहे हैं उनमें शायद कुछ लोग पहली पीढ़ी के लोग होंगे जिन्होंने पढ़ाई हायर एजुकेशन तक कर पाया होगा। मैं दूसरी पीढ़ी की हूँ जिसमें मेरी दादी जी ने 4 क्लास तक पढ़ा था, मेरे दादाजी ने पहली क्लास कक्षा के पढ़ा था, तो इसलिए हमें ये कॉन्फिडेंस आना लाना बहुत जरूरी है अपने आप में, अपने मनोबल को बनाकर कि यदि कोई, और हमारे JNU में ही एक प्रोफेसर है हमारे साथी है जो पहली पीढ़ी के शिक्षित हैं और वे JNU में प्रोफेसर बन रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि हम लोग ऐसे उदाहरणों के बारे जाने, ताकि हमारे गोल्स भी, हमारे साथी जो मुझसे छोटे हैं उम्र में, वो ऐसे उदाहरणों को हमेशा याद रखें, ताकि जब भी जिंदगी में मुश्किल आए तो हम अपनी मुश्किलों को लांघ कर पार करने सके, जंप करके पार करने सके। और इस JNU में मेरा पदार्पण हुआ 1992 में, और JNU में मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर ज्वाइन किया, और JNU में जिस प्रकार का माहौल, जो कि खुलापन इस तरह भी है कि किसी के सामाजिक पृष्ठभूमि को लेकर चर्चा कम होती है, बल्कि इंक्लूजन की का एक माहौल भी हमें वहां देखने को मिला, कम से कम जब मैं पढ़ाई करती थी और शुरू जब मैं 92 में मैंने ज्वाइन किया था, और वहां लोगों को अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों की भागीदारी और वहां सम्मिलित करने की का एक अनरिटन नॉर्म हम लोग बोलते हैं वैसा रहा है, और इसलिए मुझे मौके मिले, मैं प्रॉक्टर भी बनने से वार्डन तो बनी ही, साथ में प्रॉक्टर भी बनने सकी, मैं अपने स्कूल की ओर से एकेडमिक काउंसिल की सदस्य बनने सकी थी, और साथ ही चूंकि JNU में इस तरह के ये अनरिटन नॉर्म्स रहे हैं कि कहीं भी कोई समिति बन रही है तो जरूर उसमें कम से कम एक व्यक्ति ST या SC जरूर हो, ताकि उनको सम्मिलित किया जा सके और उनकी भागीदारी के साथ जो JNU की अंदर जो हमारे कार्यकलाप होते हैं उसको और रिच और धनी बनाने के लिए, और उनकी भागीदारी के साथ और खुलेपन के साथ, उनकी कंट्रीब्यूशन के साथ उसको और एनरिच करने के लिए ये एक एफर्ट था जो कि JNU में पहले जब जिन लोगों ने शुरू में JNU को स्थापित किया, तो ये उनकी एक प्रिंसिपल था जो अनरिटन नॉर्म था, और उसके तहत मुझे भी बहुत मौके मिले कि मैं प्रशासनिक इन जगहों में भाग ले सकूं, तो इसलिए मैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल की सदस्य भी रह सकी थी। खैर, हमारे यहाँ रोटेशन में प्रोफेसर लोग अपने अपने स्कूल के डीन बनते हैं, तो इसलिए रोटेशन में मैं 2009 से 2011 तक अपने स्कूल की स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड सिस्टम साइंस की डीन भी रहने सकी थी, और उस दौरान मैं दूसरी बार JNU के एग्जीक्यूटिव काउंसिल की सदस्य भी बनने के वहां भाग ले सकी थी। तो इन सभी मौकों के साथ मुझे किसी यूनिवर्सिटी के प्रशासन में किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए इसका, या कैसा कैसा होता है इसका, इसका एक अनुभव मुझे प्राप्त हो सका, और मैं काफी दावे के साथ बोल सकती हूँ कि अगर JNU में सामाजिक पृष्ठभूमि के बैगेज को लेकर लोगों के प्रति नेगेटिव अवधारणा को दूर रखने वाला माहौल ना होता और मैं किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में रहती,
हो सकता है वही यूनिवर्सिटी जहां मैं थी, प्रकतुल्यन यूनिवर्सिटी या मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी, तो मुझे ये मौके नहीं मिलते और इसलिए मैं अभी आज सिद्धुकानु मुर्मू यूनिवर्सिटी में हूँ। इसके लिए मेरी जो ट्रेनिंग हो पाई 30 साल में मेरे, तो उसका जेएनयू के जो सिस्टम है और जिस प्रकार से लोगों की भागीदारी को ध्यान में रखा जाता है उसके कारण मेरा मेरा ये पूरा एक्सपीरियंस ज्यादा एनरिच हो सका है, तो मैं शायद केवल एक प्रोफेसर ही रहती। जी बिल्कुल, आपने जेएनयू की बात की है, जेएनयू में बहुत आइडियोलॉजिकल डिबेट होते हैं, वैचारिक बहुत सारी चर्चाएं होती है, वाद विवाद होते हैं। तो देश भर में जेएनयू जैसे जो केंद्रीय स्तर के जो विश्वविद्यालय हैं वो प्रसिद्ध है। जहां तक वैचारिकी की बात है, मैं आपसे खास करके जो मूलनिवासी नारियां हैं, मूलनिवासी महिलाएं, उनके संदर्भ में आपसे मैं चर्चा करना चाहूंगा, आप जानकारी लेने चाहेंगे, क्योंकि एक जो सफर आपने तय किया है, जैसे आपने बताया कि प्रिविलेज्ड एक आपका फैमिली का जो बैकग्राउंड रहा है, मतलब एक अच्छा खासा बैकग्राउंड था जिसकी वजह से आपको दिक्कतें आई नहीं, लेकिन जो समाज है, पूरा बाकी बचा हुआ समाज है, वो तो सारी इन दिक्कतों के बीच अभी पल बढ़ रहा है। तो ये खास करके जो महिलाएं हैं, नारियां हैं, जो विमेन्स है, वो दोहरा कहते हैं कि दोहरे उनके ऊपर गुलामी है। तो ये जो भारत में नारी विमर्श है और वहां पर उन जो नारी विमर्श में या वुमेन डिस्कोर्स जो चलता है उसमें मूलनिवासी जो महिलाएं हैं, मूलनिवासी नारियां हैं, उनको वो आप कहाँ देखती है, उनकी क्या स्थिति है, कैसे विश्लेषण करती है? मैं इस तरह के डिस्कोर्स में या डिस्कशन में मैं भाग लेने के समय एक मुझे मैं बोलना चाहती हूँ कि चूंकि मैं समाजशास्त्र की स्टूडेंट नहीं रही, छात्रा नहीं रही, इसलिए थोड़ा बहुत मुझे दिक्कत होती है, परंतु अपने पूरे अनुभव के आधार पर मैं कुछ एक बातों को रखना चाहूंगी कि हाँ, आज के वर्तमान समाज में नारी का पितृसत्ता के पितृ समाज सत्ता से वाले समाज में बराबरी का स्तर नारी का नहीं है, परंतु मैं ये भी खुद को बार बार मैं याद दिलाती हूँ जब भी मुझे इस तरह के डिस्कोर्स में आने की का मौका मिला, कि विशेष करके आदिवासी और पहाड़ों पर रहने, जंगलों में रहने वाले जो समाज और समुदाय हैं, उनके बीच अगर आप देखिएगा तो महिलाओं की भागीदारी दूसरे समाजों से कुछ ज्यादा रही है। मैं उरांव ट्राइब से आती हूँ और मुझे पता है कि हमारे ट्राइब में एक ये बात है, ऐतिहासिक बात है, कि ऐतिहासिक घटना थी कि एक जगह जब हमारे उरांव पुरखे लोग थे, काफी मान्यताएं हैं कि यहाँ से वहां वो वैसे तो सिंधु घाटी से होकर आए थे, परंतु एक जगह है रोहतास और वहां एक गढ़ है, तो जब वहां उरांव पुरखे हमारे थे और वहां मुगलों ने चढ़ाई की थी, तो एक त्योहार के दिन उन्होंने चुनकर चढ़ाई की थी, क्योंकि सारे मर्द हड़िया जो बोलते हैं हमारा जो घरों में बनता है, जी हाँ जी हाँ, चावल से वो पी कर एक मस्त थे, मद मस्त थे, पर उस समय मुगलों ने चढ़ाई की, पर उस समय किले को नारियों की सेना ने बचाया था, प्रोटेक्ट किया था, और एक नहीं दो नहीं तीन तीन बार, और इसकी इसकी सेनापति या उसका सेना का संचालन कर रही थी राजकुमारी सिनगी दई, दई दीदी को बोलते हैं, तो सिनगी उनका नाम रहा होगा और सब लोग उनको राजकुमारी थी, सिनगी दई बोलते थे। तो इस तरह मैं बचपन से सिनगी दई के बारे सुनती आई हूँ। दूसरी चीज बात आप याद करेंगे, चिपको आंदोलन क्या था, आखिर वहां के जंगल को बचाने में चिपको आंदोलन में महिलाओं ने भूमिका अदा की थी और इसके कारण जंगल को बचाया गया था। झारखंड के इर्द गिर्द कई एक ऐसे
विकास से संबंधित जो यहाँ प्रहार हुए इस क्षेत्र में समुदायों के ऊपर, महिलाओं ने पुरुषों के साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर भाग लिया था, और जिसका एक बहुत ही ज्वलंत उदाहरण और भी है। मैं सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी की में हूँ, और सिद्धू मुर्मू और कानू मुर्मू दो भाई थे, उनके दो और भाई थे और उनकी दो बहनें भी थी, और सिद्धू कानू चांद भैरो ये चार भाई थे और उनकी दो बहनें थी फूलो और जानू। तो इन छहों का नाम इस प्रदेश में, संथाल परगना प्रदेश में होता इसलिए है क्योंकि यहाँ इस प्रदेश में अंग्रेजों की जमींदारी प्रथा के विरुद्ध में 1857 से भी पहले 1855 में इन लोगों की अगुवाई में आंदोलन हुआ था, और हम भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में इस कहानी को बिल्कुल नहीं पाते। पर खैर जो भी हो, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, जो भी की भागीदारी रही है महिलाओं की, कम से कम आदिवासी समुदायों में हो सकता है हम लोगों ने इन बातों को अभी तक उस स्तर पर लिख लिख कर नहीं लाया है, और इसलिए हम लोगों का ये कर्तव्य है कि हम लिख कर लाएं। परंतु जेएनयू जैसे माहौल में जब नारी और जेंडर जैसे टॉपिक्स पर बातचीत होती थी, तो जहां हम केवल नारी शक्ति या नारी के अस्तित्व और उनकी जगह की केवल बातचीत नहीं करते थे, परंतु एक बात होती थी जेएनयू में कि जब हम नारी की चर्चा करते हैं तो साथ में हम नर या फिर हमारे पुरुषों के साथ बैठकर चर्चा करेंगे, तभी वो फलवंत होगा, क्योंकि समाज इन दो कंपोनेंट्स के से ही बना है। और अगर हम कुछ बोलना चाह रहे हैं या नारी कुछ सोचती है अपने बारे, तो उसको या सुन तो लिया जाए तो उसको कौन सुनेंगे? हमारे भाई लोग, हमारे पुरुष लोग, हमारे पति लोग, हमारे पिता लोग, हमारे तो मर्द जब तक ना सुने तब तक बोलने का क्या फायदा है? इसलिए जब भी किसी एक कंपोनेंट की बात है तो दूसरे को भी वहां पर होना चाहिए। दूसरे एक दूसरे के साथ अगर हम बातचीत करेंगे तभी वो फलवंत हो पाएगा, और इस या उस पर आगे चर्चा की जा सकती है जी, और जी। तो इसलिए जेएनयू में हमेशा जब भी चर्चा एक कंपोनेंट की होती थी तो दूसरे कंपोनेंट भी साथ में आते थे, और इसलिए जब भी मतलब कुछ कुछ डिप्राइव्ड बैकग्राउंड के लोगों की चर्चा होती थी तो भी हमारे दूसरे साथी लोग साथ में बैठकर बातचीत करते ताकि वो समझ सके और सुन सके कि जब वो किसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमें कैसा लगता है। और जब तक इस तरह से हम एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे तो फिर हम केवल अपने अपने छोटे छोटे कंपार्टमेंट में ही बात करेंगे और एक दूसरे से नहीं, तो वो चर्चा का विषय और उस सुलझाने की ओर नहीं जाएगा। तो इसलिए जेएनयू में कम से कम जब भी नारी की बात हुई या नारी शक्ति की बात हुई तो हम लोग पुरुष और स्त्रियां बैठ कर बात करते थे, हम या फिर हमेशा तो नहीं परंतु शुरू में तो अपनी आवाज बनाने अपने आप को संगठित करने की भी प्रक्रिया रही, और अपने आप को संगठित करने के बाद हम दूसरों के साथ बैठ कर बातचीत करते थे ताकि उसको और भी ज्यादा ठोस रूप दिया जा सके। तो और इसलिए मुझे लगता है कि उन्हीं सब माहौल के कारण, जैसा मैंने पहले कहा कि अब मैं अपनी क्लास में अकेले औरत थी या लड़की थी, और कभी भी मैं कमिटीज में, आज की तारीख में भी कहीं जाती हूँ तो हो सकता है मैं अकेली हूँ, जो भी मैं चेयर करती रहूं पर फिर भी मैं अकेली औरत रही हूँ, परंतु इस तरह के कॉन्फिडेंस जब मुझे औरत समझकर कम ना समझा जाए तभी हम खुलकर अपने पोटेंशियल को भी सामने ला सकते हैं, और हो सकता है बहुत से मेरी बहनें, मेरे से छोटी बेटियां भी ये जो सुन रही होंगी मुझे, हो सकता है उनको
इतने खुलेपन का अनुभव ना हुआ हो और इतने मुखर होकर और इतने स्ट्रॉन्ग होकर बुलंदी के साथ बोलने का या अनुभव ना हुआ हो, परंतु मैं उनको विश्वास दिलाना चाहती हूँ जब आप बोलने लगेंगी तभी दूसरे सुनने के लिए चुप होंगे, नहीं तो वही बोलते रहेंगे। और इसलिए मैं उन सबको चैलेंज करना चाहती हूँ आज कि अगर आपने आज तक बोलने की कोशिश नहीं की है ना, तो बोलने की कोशिश कीजिए, तभी लोग सुनेंगे आपकी बात। तो ये तो नारी डिस्कोर्स। हाँ, और परंतु एक ये भी बात है कि हमारे पास काफी बहुजन आइकन्स भी हम गिन सकते हैं, और जब भी सामाजिक न्याय की बात हुई है तो हम केवल हम नारियां पुरुषों के पीछे पीछे केवल नहीं चली हैं, साथ साथ भी चली हैं। तो और तभी हम दोनों समाज के दोनों कंपोनेंट के लिए वो जगह बनाते गए हैं ताकि हमारे पीछे भी लोग आ सकें और हो सकता है हमारे आगे। प्रदीप जी, मैं केवल एक बात ही बोल, मैंने जब बोला था कि मेरा थोड़ा प्रिविलेज बैकग्राउंड रहा था, पर मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि मैंने भी बीएससी की पढ़ाई इसलिए कंप्लीट कर पाई क्योंकि मेरे पास स्कॉलरशिप था, एमएससी की पढ़ाई भी इसलिए कर पाई क्योंकि मेरे स्कॉलरशिप था, और इसलिए जी हाँ, और इसलिए मुझे लगता है कि हमें बहुत जरूरी है एक दो बात करने की जहां भी हम संगठित होते हैं, तो कि हमारे युवा साथियों के लिए कहां से स्कॉलरशिप मिल सके उसका ज्ञान हम दूसरों तक जरूर बांटें, ताकि जो जिनको पढ़ाई करने की इच्छा है वो स्कॉलरशिप के माध्यम से अपनी पढ़ाई आगे ले जा सके। मैं JNU जब आई तो मुझे UGC के JRF की स्कॉलरशिप मैं अवेल कर पाई, इसलिए मैं PhD कर पाई, नहीं तो मेरे माता पिता बिल्कुल ही भी मेरी पढ़ाई का खर्च वहन नहीं कर पाते। मेरी तीन बहनें भी थी, मेरे माता पिता के पास तो चॉइस भी नहीं था कि लड़के को पढ़ाऊं कि लड़की को पढ़ाऊं, क्योंकि चार चार हम लोग लड़कियां ही थी, और इसलिए स्कॉलरशिप हम लोग, इसलिए हमारा शायद ये उत्तरदायित्व होना चाहिए कि जब भी किसी भी स्कॉलरशिप के बारे पता चलता है हम दूसरों को जरूर बतलाएं। और दूसरी और भी एक बात कि शिक्षा के क्षेत्र में आगे प्रोत्साहन देने के लिए जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो हमें लगता है कि बहुत मेधावी है, तो उनको इनकरेज करने के लिए हम उनके साथ संपर्क साधे रखें और उनको समय समय पर उनसे बात कर, आजकल तो फोन हो गया इसलिए बात कर लिया करें। हमारे दौर में कुछ समय के पहले के दौर में हम ईमेल कर दिया करते थे और उससे पहले चिट्ठियां लिखा करते थे, परंतु ऐसे मेधावी युवा साथियों के साथ जब हमारा इंटरेक्शन होता है तो हम उन्हें जरूर उत्साहित करते रहे समय समय पर, ताकि उनको आगे बढ़ने के लिए बल मिले। जी, अभी आपके साथ हम इस बारे में भी चर्चा करना चाहेंगे क्योंकि आप अभी एक विश्वविद्यालय की एक कुलपति है, और मुझे लगता है कि ये विश्वविद्यालय अभी पूरे देश भर में एक चर्चा में है, तो लोग चाहते हैं, काफी सारे लोग हमें कमेंट भी लिखते हैं, फिर बाद में हम सवाल जवाब भी उसका एक Q&A 10-15-20 मिनट रखेंगे इसके बाद, लेकिन आपकी क्या आगे की सोच है इसको, इस विश्वविद्यालय की कैसा स्वरूप है, कितने छात्र यहाँ पढ़ते हैं, कितने डिपार्टमेंट यहाँ पर है, क्या बताएंगे आप जो इसमें अभी कुलपति? इस विश्वविद्यालय संथाल परगना क्षेत्र में है, और संथाल परगना में झारखंड के 6 जिले हैं, और इन 6 जिलों में 32 कॉलेज हैं जिनमें साइंस आर्ट्स कॉमर्स की पढ़ाई होती है, साथ ही 15 कॉलेज हैं जिनमें बीएड की पढ़ाई होती है, 2 कॉलेज हैं जहां लॉ की पढ़ाई होती है, और अभी मेडिकल कॉलेज सब बन ही रहे हैं। तो 6 जिलों में और इतने कॉलेजेस जिनका मैंने नाम गिनाया, और साथ में 13 PG डिपार्टमेंट्स हैं जो कि यूनिवर्सिटी के कैंपस में हैं।
तो इन सभी ये जो मैंने इकाइयों की चर्चा की, इन सभी इकाइयों में 60,000 से कम विद्यार्थी नहीं है। 6 जिले हैं, 60,000 से थोड़े ज्यादा ही होंगे विद्यार्थी हैं। अभी जब यूजीसी ने कहा कि फाइनल सेमेस्टर अंडर ग्रेजुएशन का यूजी का और फोर्थ सेमेस्टर पीजी का की परीक्षा तो लेना ही पड़ेगा कोविड के बावजूद, ताकि ये जो आउटगोइंग स्टूडेंट्स हैं उनको सर्टिफिकेट दिया जा सके और वो अपनी डिग्री लेकर जा सके, सर्टिफिकेट क्यों नहीं, अपनी डिग्री लेकर यहाँ से जा सके। तब हमारी गणना हुई है कि लगभग 12,000 विद्यार्थी जो कि केवल यूजी 6 सेमेस्टर और पीजी 4th सेमेस्टर के हैं। तो इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब मैंने कहा 60,000 स्टूडेंट्स तो ये इतना उतना छोटा यूनिवर्सिटी नहीं है। इस परंतु इसके साथ साथ ये बहुत ही हमारे लिए एक सोचनीय सिचुएशन में अभी केवल सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी नहीं, परंतु झारखंड के सभी दूसरे स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, क्योंकि यहाँ रिक्रूटमेंट बहुत समय से नहीं हुआ है और इसलिए गेस्ट फैकल्टी के द्वारा के सहयोग से और बहुत ही कम नंबर हमारे जो रेगुलर अपॉइंटी टीचर्स हैं उनके सहयोग से ही और उनके द्वारा इस पूरे यूनिवर्सिटी में पठन पाठन की प्रक्रिया हो रही है। और चूंकि यहाँ शिक्षकों की संख्या बहुत कम है और सभी शिक्षक पढ़ाने में पठन में इतने लगे हुए हैं कि उनको रिसर्च करने का मौका बहुत कम मिलता है, तो इसलिए अभी मैं अपना ध्यान इसमें इस बात पर लगाना चाहूंगी कि टीचिंग लोड प्रत्येक टीचर का ऐसा हो जो कि कम से कम जो शिक्षक लोग असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर लोग पीजी डिपार्टमेंट्स में हैं, एमए एमएससी एमकॉम पढ़ाते हैं, वो कुछ अपना समय शोध पर भी लगाने सकें, ताकि जिस प्रकार की परिस्थितियों से हम गुजरते हैं और विशेष करके जो परिस्थितियां हमारे इर्द गिर्द और लोकल हैं उनके ऊपर शोध किया जा सके और वो शोध के काम नॉलेज क्रिएशन का में कंट्रीब्यूट करने सकें, क्योंकि कोई भी विश्वविद्यालय केवल पढ़ाई की जगह नहीं है। जी, वो पढ़ने और शोध कर, पढ़ाने और शोध करने दोनों की जगह है और शोध के द्वारा ही नॉलेज क्रिएशन का काम होता है। और अगर किसी यूनिवर्सिटी में किसी भी कारण से नॉलेज क्रिएशन का काम नहीं हो रहा है तो मुझे लगता है कम से कम सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी में मैं एक कुलपति होने के नाते ये प्रयास करूं कि यहाँ शोध हो पाए। मैं क्यों शोध की ओर अपना ध्यान ज्यादा लगाना चाह रही हूँ, क्योंकि संथाल परगना रीजन है, ये आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, बल्कि पूरे झारखंड में जो नेशनल एवरेज है ना एससी एसटी ओबीसी का, हम जो भी की आज की तारीख में 8.08% आदिवासी हैं, एसटीज हैं, परंतु हमारे झारखंड प्रदेश में 26% रिजर्वेशन आदिवासियों के लिए है, 10% शेड्यूल कास्ट के लिए है और 14% ओबीसी के लिए है। तो इस तरह के प्रोपोर्शन, इस तरह के रेशियो वाली जगह अपने लोकली रिच चीजों को अगर शोध के माध्यम से और अपने लेखों के माध्यम से बाहर नहीं लाएंगे तो ये सब बातें गॉन होती जाएंगी। और इसलिए थिंकिंग ग्लोबल एंड एक्टिंग लोकल करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी जैसी जगह में शोध के काम को जल्द से जल्द शुरू किया जाए।
जी, और हम और भी जो नॉलेज क्रिएशन अपने राष्ट्रीय स्तर के नॉलेज क्रिएशन की प्रक्रिया जो है उसमें और ज्यादा योगदान दे पाएंगे। जी जी, मैं हमारे पास सवाल भी आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में, कुछ जानकारियां हमारे लोग जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं, तो अगर आप अनुमति दे तो मैं कुछ सवाल यहाँ कमेंट बॉक्स में कुछ आए हुए हैं उनमें से जो सिलेक्ट हमारे बैकेंड ने किए हैं, बैकेंड टीम ने, तो उनसे मैं पूछना चाहूंगा आपको। पहला सवाल हमारे पास बालकृष्ण मिश्रा, इन्होंने पूछा हुआ है कि जो यूनिवर्सिटी है, हम देख रहे हैं 2-3 प्रकार की यूनिवर्सिटी है, उन्होंने एक सवाल ही पूछा हुआ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी या डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ऐसे काफी सारी चीजें हैं, तो इसके बारे में आपका ओपिनियन क्या है, किस प्रकार की यूनिवर्सिटी सरकारी वर्सेस प्राइवेट, ऐसा एक ये है, तो कौन सी यूनिवर्सिटी, उनकी क्या स्थिति है भारत में, आज की यूनिवर्सिटीज जो है उनकी किस प्रकार की स्थिति है, उसमें क्या बदलाव लाया जाए। ये हमारे इतने प्रकार की यूनिवर्सिटीज हैं, ये तो हम कहीं भी न्यूज किसी भी न्यूज़पेपर को खोल लें, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के विज्ञापन हमें देखने को मिलते हैं आजकल, दूरदर्शन नहीं टेलीविजन चैनल्स में भी बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का एडवर्टाइजमेंट आता है, विज्ञापन आता है। जी हाँ जी हाँ, परंतु शिक्षा जो एक मौलिक अधिकार है हर एक का, अगर ये मौलिक अधिकार है और इतना तक कि हायर एजुकेशन अगर किसी राष्ट्र में एक उत्तरदायित्व की तरह ना लिया जाए और इसको मानव संसाधन को की कंट्रीब्यूट करने की जगह अगर विश्वविद्यालयों को ना माना जाए तो ये तो थोड़ा ये गलत होगा, और इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे देश में स्टेट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो कि सीधे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के अंतर्गत आते हैं, पहले यूजीसी के थ्रू हुआ करते थे, परंतु इसी तरह से हर एक प्रांत में भी स्टेट में भी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, और अभी एक ही हमारे लिए चिंता का विषय ये है कि जो 6% बजट का 6% हमारे को शिक्षा और उच्च शिक्षा सब में शिक्षा में देने की बात जब शुरुआती दौर में इंडिपेंडेंट इंडिया में हुई थी, वो घटती 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 2.6% बन गई, जबकि मानव संसाधन जो सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट संसाधन है किसी भी राष्ट्र में किसी भी देश में, तो जिन कारणों से इस तरह के बजट बनते रहे उनको मैं बिल्कुल ही अभी क्रिटिसाइज भी नहीं करना चाहती, परंतु मैं एक सोचने के लिए ये विषय हम सब उनके सामने रखना चाहती हूँ कि यदि ये 2.6 से भी घटता जाएगा तो हमारे इन यूनिवर्सिटीज की हालत क्या होगी, और जब हमारे इन यूनिवर्सिटीज को अगर हमें सर्वाइव कराने सस्टेन कराने की आवश्यकता होगी तो कहीं ना कहीं दूसरे सोर्स से हमें शिक्षकों की तनख्वाह के लिए चिंता करनी पड़ेगी, केवल शिक्षक नहीं जो दूसरे नॉन टीचिंग स्टाफ होते हैं उनके भी तनख्वाह की चिंता करनी होगी, किसी भी स्ट्रक्चर को सस्टेन करने के लिए, तो वहां कहीं ना कहीं दूसरे सोर्सेस से आमदनी की या सोर्सेस को ढूंढना पड़ेगा, और उसमें जो शिक्षा के द्वारा राष्ट्रहित की बातें या हमारे राष्ट्र के कैरेक्टरिस्टिक से संबंधित जो बातें हैं उन पर पूरी तरफ से फोकस ना करके शायद कोई दूसरी बातों पर भी फोकस चला जा सकता है, पर इसलिए मेरा मानना है कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज, कहने का मतलब ऐसे विश्वविद्यालय जो कि पब्लिक फंडेड हैं, हमारे सरकार के द्वारा फंडेड हैं, ऐसे यूनिवर्सिटीज का होना एक एक देश या एक सरकार का के लिए एक वो एक उनके सोच को और उनका उनके उनके
कैरेक्टरिस्टिक को भी इंडिकेट करता है, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि सरकार अपने ही लिए मानव संसाधन के लिए चिंतित है या उसमें कंट्रीब्यूट करती है, और अगर ना करे तो खैर मैं उस बात पर चर्चा ना करूंगी। परंतु होता ये है कि ये इसलिए हायर एजुकेशन या एजुकेशन ही सही इतना सस्ता नहीं है और बहुत ही खर्चीले हैं, और इतना ये इतने खर्चीले हैं विशेष करके प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की, जो कम से कम जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं जिसमें आदिवासी मूल निवासी और हमारे बहुजन समुदाय के लोग ज्यादा प्रतिशत में हैं, हमारे लिए ये बिल्कुल ही मुनासिब नहीं है कि हम अपने बच्चों को ऐसे विश्वविद्यालयों में भेज पाएं। यदि बच्चों को इच्छा भी होती है कि इस तरह का कोर्स करें, फिर भी हम नहीं भेज पाएं यदि स्कॉलरशिप ना हो। और तो इसलिए स्कॉलरशिप भी स्टेट के द्वारा जो स्कॉलरशिप भी है वो भी शिक्षा को उपलब्ध कराने का एक तरीका है, परंतु वो उतना होना चाहिए जो कि हो सकता है आबादी के प्रोपोर्शन में, ताकि लोग अवेल कर सकें। जी, आपने जो रिसर्च की बात की थी कि आप एक अनुसंधान अधिक से अधिक हो, शोध अधिक से अधिक हो यूनिवर्सिटी में, उसके बारे में आपने बातचीत की। गौतम कुंवर जी है, उन्होंने भी एक सवाल इसी प्रकार का लिखा हुआ है, क्या आपके दायरे में ये चीज आती है कि नहीं वो आप उसको बता पाएंगे। जो इंडस सिविलाइजेशन है, जो हड़प्पा और ये बाकी सारी चीजें हैं वहां से, और श्रमण सभ्यता है, इनसे जुड़ी हुई बातों के लिए जो मानव वंश शास्त्र है, नृवंश शास्त्र है, या आर्कियोलॉजिकल ये है, या हमारी एंशियंट हिस्ट्री है, इसके लिए रिसर्च के लिए क्या कोई केंद्र इस विश्वविद्यालय में है, या आप उसको शुरू कर सकेंगे, क्या विचार दिन है? जी, बहुत धन्यवाद इस सवाल के लिए। मैंने बतलाया था कि सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी में 13 पीजी डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें हिस्ट्री डिपार्टमेंट तो है, हमारे यहाँ एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट नहीं है, हमारे पास जियोलॉजी तो है पर आर्कियोलॉजी से संबंधित जियोलॉजी डिपार्टमेंट भी हमारे पीजी में नहीं है, और इसलिए जो बहुत ही पुरातत्व संबंधी और पुरातन संस्कृतियों से संबंधी और बल्कि आदिवासी संस्कृतियों से भी संबंधी ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है। परंतु मेरा ये सपना है कि जो 3 साल का मेरा दौर इस यूनिवर्सिटी में होगा, तो जहां तक हो सके मैं कोशिश करूंगी कि ट्राइबल लैंग्वेजेस एंड कल्चर स्टडीज से संबंधित यहाँ एक केंद्र बन सके, एक जहां तक हो सके एंथ्रोपोलॉजी या एथनोग्राफी से संबंधित भी एक डिपार्टमेंट या ये हो सके, और यदि आर्कियोलॉजी से संबंधित कोई यूनिट बन सके तो मैं जिसको मैंने नहीं सोचा था परंतु उसको कहीं ना कहीं सम्मिलित किया जा सकता है, तो ये मेरे सपने में और थोड़ा सा उसका विस्तार हो गया। बहुत मैं धन्यवाद देती हूँ इस सवाल के लिए। हाँ, हिस्ट्री डिपार्टमेंट है परंतु वहाँ अभी केवल पीजी में 2 टीचर्स हैं, पूरी यूनिवर्सिटी में बहुत ही कम टीचर्स हैं, और जैसे मैंने कहा था सभी असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर लोग केवल पढ़ाने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि शोध के लिए उनके पास समय ही नहीं मिल पा रहा है। संथाली भाषा जो कि एक आदिवासी भाषा है और इस संथाल परगना उसी इससे निकल के आए, यहाँ केवल एक ही भाषा संथाली भाषा का केवल डिपार्टमेंट है, और जिसमें पूरे विश्वविद्यालय में केवल 2 रेगुलर अपॉइंटेड टीचर्स हैं। तो इसलिए मैं ये केवल इंगित करना चाह रही हूँ कि अभी केवल सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी में, बाकी यूनिवर्सिटीज की भी कुछ ऐसी ही हालत है कि गेस्ट फैकल्टी के द्वारा हमारे यहाँ पढ़ाई का क्रम चल रहा है, और मैं
कोशिश कर रही हूँ अपने साथी टीचर्स को थोड़ा प्रेज करने के लिए कि वो सम ऐसा हम टीचिंग लोड की बात करें कि उनको शोध करने के लिए भी समय मिल पाए, वे अपने शोध के द्वारा काम को और इस यूनिवर्सिटी को केवल नहीं पर इस एरिया से, इस पूरे क्षेत्र से संबंधित जो खान है ज्ञान का, जो चाहे तो संस्कृति में छुपा है या आर्कियोलॉजी से संबंधित बात चीजों में दबा पड़ा है, उसको ऊपर लाने सके। तो मेरी बहुत ये कोशिश है और मैं चाहूंगी कि मैं अपने इस सपने को थोड़ा तो साकार कर सकूं इस यूनिवर्सिटी में। जी जी, आपने ये बात बताई है, उसके संदर्भ में एक सवाल भी आया हुआ है। जैसे कि आपने कुछ बजट की बात की और शिक्षा की व्यवस्था में ऐसे बदलाव की बात की। अभी फिलहाल तो एजुकेशन पॉलिसी, अभी सरकार, केंद्र सरकार ने एक नई पॉलिसी लाई है और केंद्र सरकार चाहती है कि पूरा देश का जो शिक्षा है वो केंद्र के पास रहे, और इस प्रकार की सारी चीजें अभी हो रही हैं। लेकिन उसी संदर्भ में एक सवाल आपके तरफ आया है कि क्या ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसका आपके विश्वविद्यालय पर या ये सारी चीजों के ऊपर क्या असर होगा, या फिर आपका क्या इस नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आपका क्या मत है, ऐसा वो पूछ रहे हैं। डॉक्टर दीपा श्रावस्ती ने सवाल पूछा है। जी, हम लोग पहले तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम से जानते थे, परंतु अगर हम देखें NEP आज की तारीख में, क्योंकि एक तारीख के बाद जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बन गया है, और इसमें मैंने केवल एक बात को अपनी यूनिवर्सिटी में पकड़ के उसको ना छोड़ने का निर्णय लिया है, जिसमें कि 4.11 पूरे टेक्स्ट में अगर आप लोग देखिएगा तो 4.11 है, जहां मल्टीलिंगुअल नहीं पर मदर टंग एजुकेशन की बात की गई है। और संथाल परगना रीजन में माना गया है कि बाकी सभी जगहों से शिक्षा और प्राइमरी शिक्षा भी नहीं, स्कूली शिक्षा भी, शिक्षा का परसेंटेज बहुत ही लो है। हमारे देश में बाकी सभी आदिवासी समुदायों की तुलना में संथाल समाज जो संथाल परगना में है वहां शिक्षा सबसे कम है। और यहाँ इसका एक कारण है जो मुझे एक आशा की किरण देता है अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत, कि यहाँ बच्चे गांव में तो स्कूल है और बच्चे स्कूल जाते हैं एक दिन दो दिन, पर उसके बाद जाना नहीं चाहते, इसलिए क्योंकि उस स्कूल में उनकी भाषा में, संथाली भाषा में पढ़ाया नहीं जाता, एक नई भाषा में बोला जाता है एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो संथाली भाषा जानते ही नहीं, और इसलिए बच्चों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा नहीं मिलती। और संथाल परगना में जो गैर संथाल या गैर आदिवासी और विशेष करके गैर संथाल हैं, उनके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया गया, दीकू, जो पहले तो नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ था, पर अभी सभी गैर संथाल या गैर आदिवासी के लिए भी इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, पर हमेशा नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ नहीं, परंतु इसलिए मैं एक बच्चे के वाक्य को कोट करना चाहूंगी, जिसको कि किसी ने मुझे बताया, कहा कि बच्चे ने कहा कि मैं दिकू से नहीं पढ़ूंगा। तो ये बात ये थी कि मुझे मेरी भाषा में पढ़ाओ तो मैं पढ़ूंगा। और केवल एक ही बात मैं अभी पकड़ कर रख रही हूँ ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से, कि मदर टंग एजुकेशन के लिए वहां चर्चा की गई है। और मदर टंग एजुकेशन की चर्चा अगर वहां है, इसका मतलब क्या है? मैंने बतलाया था कि 15 बीएड कॉलेजेस हैं सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी में, और यहाँ आवश्यकता है कि बीएड की पढ़ाई के दौरान मदर टंग एजुकेशन कैसे किया जाए, उसके लिए शिक्षकों को तैयार किया जाए, ताकि या तो गैर आदिवासी या टीचर वो भाषा सीखें जहां उनको अपॉइंट किया जा रहा है, ताकि वो मदर टंग में एजुकेट कर सके,
जब इससे पहले भी एक बार मदर टंग एजुकेशन की चर्चा हुई थी और उस समय ये बात हुई थी कि हर स्कूल में मदर टंग एक भाषा बनकर पढ़ाई जाए, पर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मदर टंग हो ये नहीं इंसिस्ट किया गया था। और मैं एक सपना देखना चाहती हूँ सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी के लिए और उसके द्वारा कि संथाल परगना के रीजन में जो स्कूलों में टीचर्स पढ़ाने जाएंगे, विशेष करके प्राइमरी टीचर्स, वो संथाली गांव है तो संथाली में पढ़ाएं, यदि पहाड़िया गांव है तो पहाड़िया बच्चों को पहाड़िया भाषा में पढ़ाएं। तो इस तरह से अभी मैंने दूसरी भाषा की भी चर्चा की, तो यहाँ संथाल परगना में एक से ज्यादा सवाल और भी इसी संदर्भ में एक सवाल और भी आया है कि जो अंग्रेजी जो भाषा है जहाँ पर अंग्रेजी में विश्वविद्यालय अधिकतर और शोध जो है अधिकतर शोध को मान्यता अंग्रेजी में ही है, क्योंकि एक समय प्राइमरी एजुकेशन होने के बाद अंग्रेजी की काफी महत्वपूर्ण जरूरत इसमें है, तो उस अंग्रेजी में शिक्षा के संदर्भ में आपका एक ओपिनियन चाहते हैं। जी, हमारे अभी भी ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है, और इसलिए ये मेरा मानना है कि चूंकि शोध और हायर एजुकेशन और उसके बाद शोध के काम अंग्रेजी भाषा में ही होते हैं, और जब प्राइमरी एजुकेशन में प्राइमरी एजुकेशन अगर मदर टंग एजुकेशन में करने के लिए बात की जा रही है, तो अंग्रेजी को सेकंड लैंग्वेज क्यों नहीं बनाया जा सकता और थर्ड लैंग्वेज हिंदी हो जाए। ये मेरी सोच है। हाँ, ये बात अलग है कि इसलिए जब 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है तो मदर टंग तो हो ही, बाकी अंग्रेजी भी हो और हिंदी भी हो। इतना तक कि रांची यूनिवर्सिटी में ये 70 के दशक में ऐसा हुआ था कि कॉलेज में और रांची यूनिवर्सिटी में चूंकि मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस करके केवल हिंदी की पढ़ाई होती थी पहले तो रांची यूनिवर्सिटी में, पर उस समय पर 70 के दशक में ऐसा हुआ कि ये मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस बोलकर उसको 50-50% में भाग कर दिया गया कि 50% आप हिंदी पढ़िए और 50% आप एक आदिवासी, अगर आप आदिवासी हैं तो अपनी आदिवासी भाषा को पढ़िए। और इस तरह से इंडियन लैंग्वेजेस या मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस कहके आदिवासी भाषाओं को भी वो मान्यता रांची यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया। और इसलिए मैं ये सोचती हूँ कि हर एक को, यदि जैसे हमारे तमिलनाडु के दोस्त हैं तो उन लोगों को अपनी भाषा में पढ़ाई वो कॉलेज तक तमिल मीडियम में करते हैं। हमारे नॉर्थ ईस्ट के हमारे दोस्तों को अपनी मिजो या मणिपुरी और इन खासी भाषा इत्यादि में भी स्कूल, हो सकता है स्कूल तक पढ़ते होंगे, पर उसके बाद विशेष करके मैं नॉर्थ ईस्ट के मॉडल को लेना चाहूंगी, वो अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करने के बाद वो अंग्रेजी में भी करते हैं, तो मातृभाषा और अंग्रेजी है तो उसकी मान्यता है, साथ में हिंदी भी सीख जाते हैं। पर कहीं कहीं ऐसा होता है कि बंगाली भी सीखना पड़ता है बंगला, तो ये बल्कि अगर जो भाषा विज्ञान के शिक्षक लोग यहाँ पर बैठे हुए होंगे और जो बचपन में बच्चों को भाषाएं सिखलाते हैं, तो ये मानी हुई बात है कि कोई भी बच्चे 4 भाषा को आसानी से सीख सकते हैं और बल्कि वो 4 भाषाओं में सोच भी सकते हैं, और एक ही समय में चारों भाषा के साथ, अगर 4 लोगों के साथ किसी बच्चे को बातचीत करना है तो हर एक व्यक्ति के साथ वो उसी भाषा में बातचीत करेंगे और ये मुनासिब है। इसलिए ये कतई कठिन नहीं है कि अंग्रेजी को भी, अगर मातृभाषा बोला जा रहा है साथ में हिंदी भी बोला जा रहा है, तो अंग्रेजी को भी स्कूल में उतना ही महत्व दिया जाए ताकि जो लोग शिक्षा, उच्च शिक्षा में जाना चाहते हैं, वो जब उच्च शिक्षा में आएंगे और हायर एजुकेशन में आएंगे और जो शोध करना चाहते हैं, तो उनके लिए अंग्रेजी तब नहीं सीखना पड़ेगा क्योंकि वो स्कूल में ही उस पर
उसका उचित ज्ञान उनको मिल जाता है। जी जी जी। एक सवाल और एक आया है इसी संदर्भ में कि अभी कुछ हमारे पास चार पांच मिनट हैं इस कार्यक्रम के लिए आगे, मैं दो सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा। रघु हरमाड़े जी हैं, उन्होंने एक सवाल पूछा हुआ है कि जो पढ़ लिख करके जो बड़े अधिकारी बनते हैं या यूनिवर्सिटीज में अभी प्रोफेसर्स हैं, जो जितने भी अधिक से अधिक लोग हैं एस सी एस टी ओबीसी माइनॉरिटी कम्युनिटी से जिनको हम निवासी भोजन समाज कहते हैं, ये लोग अभी इनमें से आप जैसे काफी कम लोग हैं शायद कि ये समाज के साथ उन्होंने क्या काम करना चाहिए, कैसे समाज की तरफ लौट करके क्या जिम्मेदारी उन्होंने निभानी चाहिए, ऐसा उनका सवाल। शायद जिन्होंने ये सवाल पूछा होगा वो अपने अनुभव के आधार पर बोल रहे हैं। हाँ, कहीं कहीं ये सच भी है, परंतु मैं ये भी बतलाना चाहूंगी कि मेरी उम्र के लोग या जिनकी उम्र 50 से ऊपर है कि उतने प्रतिशत में लोग नहीं आए जितने उस समय जितने अभी आ रहे हैं, शिक्षा में, ब्यूरोक्रेसी में और ऐसे उच्च पदवियों में। और ये मुझे लगता है कि शिक्षा अभी जो भी की जितनी शिक्षा पहले भी होनी चाहिए थी वो कम थी, परंतु अभी कुछ ज्यादा संख्या में शिक्षा लोगों के लिए उपलब्ध हो पा रही है। मुझे लगता है, ये मेरा अनुभव है कि जितने लोगों के साथ मेरा ताल्लुकात हुआ है, विशेष करके JNU में जितने हमारे शिक्षिकाएं हैं, टीचर्स मेरे साथी हैं जो असिस्टेंट एसोसिएट और प्रोफेसर हैं, सभी का जुड़ाव समाज के साथ है। तो और इस और बल्कि अभी एक मुहिम की तरह ये चला हुआ है कि हम अपने समाज को क्या दे सकते हैं वापस। तो बल्कि जो मैं ये भी एक बात मैंने कहा था कि मेधावी बच्चों को अगर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कभी ना कभी, नहीं आइडेंटिफाई नहीं, जिनके साथ हमारी मुलाकात हो जाती है तो उनको प्रोत्साहन देते रहें, तो पर अभी कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि वे स्कूलों में जाकर ऐसे कैंप या समर स्कूल टाइप का कर सकें ताकि वहां बच्चों को और उनके उनके उनकी जिज्ञासाओं को और उनके पसंद को वो ये कर सकें, उनको एक्सपोजर भी दे सकें ताकि बच्चे अपने लिए सपने देख सकें, करियर को के भी ऑप्शंस को देख सकें, और जब वे आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो उनको प्रोत्साहित किया जा सके। मैं कोट करना चाहूंगी हमारे JNU में ही कुछ जो स्टूडेंट्स आए थे, मुझे लगता है और लगभग 10 साल हो गया होगा, जब उन्होंने JNU के एंट्रेंस एग्जाम को लिखकर एडमिशन पाया तो उनको ऐसा लगा, ये स्टूडेंट्स ये छात्र छात्राएं झारखंड और उड़ीसा और यह हमारे आदिवासी छात्र छात्राएं थी, उन्होंने देखा कि JNU में एंट्रेंस एग्जाम लिखना सबसे कठिन बात है, परंतु यहाँ आकर पढ़ पाना बहुत ही एक क्या बोले निश्चिंता का विषय ये है क्योंकि JNU एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है और यहाँ की फीस इतनी कम है कि गरीब से गरीब बच्चे भी वहां पढ़ सकते हैं। और इसलिए मुझे फख्र होता है कि JNU में मेरे स्कूल में, स्कूल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम साइंसेस में, फर्स्ट जेनरेशन लोग भी आकर पढ़कर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने सके थे। और ये क्रेडिट JNU जैसे संस्थान इसलिए ले सकते हैं क्योंकि यहाँ की फीस कम है और ये पब्लिक फंडेड है। और अगर तो जब अच्छा मैं वापस जाते हैं अपनी कहानी पर, तो हमारे आदिवासी कुछ जो छात्र छात्राएं थे उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग अपने अपने स्कूलों में, अपने क्षेत्र के स्कूलों में जाकर बतलाएंगे वहां बच्चों को कि पूरे देश में एक ऐसी भी यूनिवर्सिटी है जहां एडमिशन के लिए जाओ तो 1,000 रुपया भी पूरे साल भर का फीस नहीं है। हाँ, उसके बाद एडमिशन लेने के बाद खर्च भी उतना ही होगा जितना आप खाना खाते हैं। तो इसलिए उन्होंने मुहिम की तरह कई एक साल जा जाकर बच्चों को स्कूल में ही बच्चों को जाकर अवगत कराने की कोशिश की और उसके उसके द्वारा हो सकता है कई एक बच्चे आने भी सके होंगे। और इस तरह केवल
अच्छी पदवी में पहुंचने के बाद समाज में से लगे रहने की आवश्यकता नहीं है। हर उस व्यक्ति के लिए ये आवश्यक होना चाहिए कि अगर आप एक कदम आगे निकल गए ना, तो दो कदम पीछे जो है उनके लिए हम एक बार मुड़कर तो देख लें, और समय जरूर और अवसर ऐसे आएंगे कि जब हम कुछ ना कुछ उनके साथ साझा कर सकते हैं, ताकि उनको भी हम आगे आने में थोड़ा मदद कर सकें, प्रोत्साहन दे सकें। जी, आखिरी दो सवाल है मैडम, उसको समाप्त कर, मतलब कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। मैं आपसे ये, यहाँ पर एक सवाल आया हुआ है कि जैसे कि अभी हम चर्चा कर रहे थे, आपने बताया कि पब्लिक मतलब अर्थात संविधान के आधार पर जो विश्वविद्यालय मिले हुए हमारे हक अधिकार जो SC ST OBC माइनॉरिटी के है वो संविधान में निहित है, संविधान ने हमें यह अधिकार दिए है। इन अधिकारों को अगर हासिल करना है और या इस मुकाम पर तक पहुंचना है, क्योंकि अगर हम अधिकारों को हासिल करना मतलब सत्ता में पहुंचना, ऐसा एक हमारे साथी पूछ रहे हैं, तो इस सत्ता में पहुंचने के लिए, ये पावर में पहुंचने के लिए, आप एक अधिकार क्षेत्र पर है, उसके लिए इस समाज ने क्या करना चाहिए, किस प्रकार से अपनी लामबंदी करनी चाहिए, क्या संगठित होने से उनको ये अधिकार मिलने वाले है या अकेले अकेले उनको मिलने वाले है? बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ मैं जो भी की वो हम बहुत से लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणा का एक स्लोगन रहा है बाबा साहब अम्बेडकर का, एजुकेट एजिटेट ऑर्गेनाइज। जब हमें ज्ञान हो जाता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, तो हम बिल्कुल भी शांत ना बैठें, बिल्कुल भी शांत ना बैठे। अगर हमें पता लग जाता है कि हमारे साथ किसी ना किसी तरह से अन्याय हुआ है या हो रहा है, तो बिल्कुल भी हमें शांत तो नहीं बैठना चाहिए। और वहां अगर हम चुप हैं, किसी कारण से थोड़ी देर के लिए भी चुप हैं, तो वो हमें कमजोर कभी ना आंका जाए। और उसके बाद जब एजिटेट हो जाते हैं, ऑर्गेनाइज जब तक नहीं होंगे, तो हमारे एजिटेशन को हम कामयाबी के चरण तक नहीं ले जा सकते। और इसलिए, और ये कभी कभी हम रेटोरिक की तरह बना देते हैं, परंतु ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही एक सूत्र की तरह है, एजुकेट एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज होना बहुत ही आवश्यक है। अभी ऑर्गेनाइज होने के लिए एक दो बातें मैं बोलना चाहूंगी। जब भी कि हमें डिस्क्रिमिनेशन के द्वारा और कई एक ऐसे माध्यम से हमारे मनस्थिति को इस तरह बनाया जाता है कि हम छुप छुप कर रहना चाहते हैं, और ताकि हमारे आइडेंटिटी सामने ना आए। परंतु मैं सोचती हूँ बाबा साहब ने इस तरह से प्रावधान बनाए, आर्टिकल 46 को भी पढ़िए, कुछ भी जितने भी आर्टिकल मौलिक अधिकार के आर्टिकल्स को पढ़िए, हम उन आर्टिकल्स को अगर पढ़ते हैं, तो हमें एक बल आना चाहिए कि हम इस देश के उतने ही नागरिक हैं जितने कि वो जो हमें समझते हैं कि हम कम हैं उनसे। और इसलिए मेरे ख्याल से अब आवश्यकता है कि हम घमंड से ये बोलें, मैं घमंड से बोलूं कि मैं उराऊं हूं, मैं या मेरे साथी ये घमंड के साथ बोले, संथाली भाषा में बात करते हुए कि हम संथाली हैं। आज एक प्रोग्राम में मैं गई थी जहाँ के संथाली, चूंकि संथाल पढ़ना है और संथाली लोगों अपनी भाषा में बात कर रहे थे, तो मैंने कहा कि काश मैं संथाली जानती होती, पर मैंने कहा कि मैं अभी कुड़ख में बात करना चाहूंगी तो आप समझ नहीं सकेंगे, और मैं संथाली सीख नहीं पाई हूँ। पर मुझे ये लगता है कि हमें जो, हमारी जो संस्कृति है उस पर घमंड के साथ हमें अपने मनोबल को भी सामने लाना है। और मुझे JNU में रहते रहते, और वहाँ एक ये है इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफिस, वहाँ जब काम करने का मौका मिला चीफ एडवाइजर होने के नाते, तो बहुत सारे ऐसे सामाजिक ज्ञान जो मुझे नहीं पता था कि नाम से ही लोग आपके बैकग्राउंड का पता लगा सकते हैं। हाँ, तो ये ज्ञान मुझे वहां मिला। तो मैं मुझे लगा कि जब नाम सही, जैसे मेरा नाम है सोना झरिया मिंज, और अगर जो लोग बिहार या इस एरिया में रहे हों, उनको मेरे नाम से पता है कि मैं आदिवासी हूँ, जब अगला मुझे जानता है कि मैं आदिवासी हूँ, तो मैं किससे छुप रही हूँ? अपने आप से ना। तो इसलिए अपने आप से, अपने आप को छुपाने की प्रवृत्ति से निकल कर अब एकदम क्लेम करते हुए कि मेरा भी उतना ही हक है जितना किसी और का, और बल्कि बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे संविधान में हमारे प्रोटेक्शन के लिए भी ऐसे क्लॉज आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, तो उनको
उनको क्लेम करते हुए अपने अस्तित्व को और अस्मिता के प्रति घमंड के साथ हमें सामने आना है, ताकि हो सकता है हमारे जो ना चेहरे में कॉन्फिडेंस हो उसी से अगले को थोड़ा सा एक स्टेप पीछे लेने की, या फिर जो भी उनकी कामनाएं हैं हमें मुझे डिमोरलाइज करने की, उसमें वो दोबारा सोचकर मुझे डिमोरलाइज करने के लिए आए। और इसलिए आवश्यकता है आज के इस दिवस, जो कि 26वीं बार हम अंतरराष्ट्रीय विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं, तो आज मैं सभी हमारे आदिवासी मूल निवासी लोगों को सबको अपने साथ सम्मिलित करके बहुत घमंड से बोलना चाहती हूँ कि कम से कम झारखंड प्रदेश में हम 50% लोग हैं। 50% कम नहीं होता, 50% हमें 50% से ज्यादा है, इतना तो हमारा आरक्षित भाग है और जो अनारक्षित है उस पर भी हमारा हिस्सा है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, जिस प्रकार से झारखंड में अगर आदिवासियों की बात करें तो 50% है, पूरे देश की अगर SC ST OBC की बात करें, हम SC ST OBC माइनॉरिटी की, तो हमें बिल्कुल ये घमंड होना चाहिए आपकी भाषा में कि हम 85% है और इस देश के सिंधु सभ्यता के हैं, जैसे कि जयपाल सिंह मुंडा जी ने कहा था कि हम सिंधु सभ्यता के वारिस है, 85% लोग मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हैं। मैं कार्यक्रम के अंतिम में आज के विश्व मूल निवासी दिवस पर हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देंगे MNT न्यूज नेटवर्क के माध्यम से, आपके वक्तव्य के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करना चाहेंगे। जोहार, जय जोहार सबको। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने हमारे साथ आपकी बातें शेयर की, आप विचार शेयर किए, एक सवा घंटे में काफी सारी बातें शेयर करना रह जाता है, तो पुनः हम कभी ऐसा मौका चाहेंगे कि आपके साथ आपकी पूरी आगे की योजनाओं के साथ भी कभी चर्चा करें और आप हमारे साथ जुड़े, इसलिए मैं और आपने अपना एक समय दिया, आपके बहुत बिजी शेड्यूल है, एक बड़ा विश्वविद्यालय जिसमें आपने कहा कि 60,000 के करीब जो है छात्र पढ़ रहे हैं, काफी सारे डिपार्टमेंट है, काफी सारे कॉलेजेस है, तो एक बड़ी जिम्मेदारी आपके साथ है, तो इन सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए MNT न्यूज नेटवर्क की ओर से मैं आपको एक मंगल कामना व्यक्त करता हूं और आज के विश्व आदिवासी दिवस मूल निवासी दिवस के अवसर पर आपको बधाई भी देता हूं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ आप जुड़े। जी धन्यवाद जी, जय जोहार, फुल जोहार, जो मूल निवासी जी। साथियों, हमने आज बातचीत की सोन जरिया मिंज, इनके साथ लाइव चर्चा की आज के विश्व मूल निवासी दिवस के अवसर पर, और आपने देखा कि किस प्रकार से मैडम के जो उनके विचार हैं, उनका जो कॉन्फिडेंस है, और उन्होंने महिलाओं के संदर्भ में चर्चा की, युवाओं के शोध के बारे में चर्चा की। जब ये कॉन्फिडेंस हमारे इसमें आता है, एक विश्वास गर्व हमारे इसमें आता है, तो ही हम आगे की हमारी लड़ाई लड़ सकते हैं। काफी सारे सवाल हमारे पास जो चर्चा में देते हैं, आपके काफी सारे ऐसे सवाल हो सकते हैं कि जिनके जवाब आपको नहीं मिले, लेकिन ऐसी कोई बात होती है जिनसे आपने संकेत लेना चाहिए कि उनके उन सवालों के साथ उनका जवाब उनके चर्चा में जरूर होता है, उनके विचारों में जरूर होता है, तो हर सवाल का ठेठ जवाब आपको मिलना चाहिए, ऐसी हमने अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, लेकिन उनके काम के बारे में हमारे साथ जो भी यहाँ पर हम अतिथि बुलाते हैं, जिनके साथ चर्चा करते हैं, उनके काम के बारे में, उनके विचार के बारे में कुछ सवाल आपने हमेशा उठाए रखने चाहिए, क्योंकि आपके सवालों का स्तर भी उस प्रकार से आगे आगे बढ़ते जाना चाहिए। तो आपने ये कार्यक्रम देखा, इसके लिए मैं आपसे सभी दर्शकों का मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा और आगे भी ऐसे ही शख्सियत के साथ हम विभिन्न विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज विश्व मूल निवासी दिवस के अवसर पर हमने चर्चा की सोन जारिया मिंज, इनके साथ जो कुलपति है सिदो कानो मुर्मू विश्वविद्यालय में, और इसी के साथ मैं कल का विषय के बारे में घोषणा करना चाहूंगा। कल हम जो चर्चा कर रहे हैं मूल निवासी बहुजनों का राष्ट्र, मूल निवासी बहुजनों को राष्ट्रीय संगठन में न जुड़ने से शिक्षित और शिक्षित होने और संघर्ष करने के बावजूद राजनीति के लिए खतरा बना हुआ है, इस प्रकार का विषय कल हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप इस विषय के संदर्भ में जानकारी लेने के लिए आप MNT न्यूज नेटवर्क के फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर हैंडल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कल सुबह 9 बजे हमारा
कार्यक्रम होगा, एमएनटी बुलेटिन होगा, उसको भी आप देखिए। और दिन भर के कार्यक्रम देखने के लिए आप एमएनटी न्यूज नेटवर्क के हमारे फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर हैंडल को के चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इस कार्यक्रम के वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक आप पहुंचाइए। आपने कार्यक्रम देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करें।